सतगुरु सच्चे पातशाह जी साजी नवाजी साध संग जीओ आप बड़े भागा वाले हो जो कि संत बाबा मनी सिंह जी जा दे संत बाबा फौजा सिंह जी चौथे वर्षे संगतां ने सहयोग दे नाल साहब श्री ग्रंथ साहिब ने छत्र साया है बड़े श्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं। सो आप वड्डे भागा वाले हो जिन्हां नूं सत्संग दा सुभागा समा प्राप्त होया है। मैं कोई बुलारा नहीं संत बाबा स्याहवाल ने संगत कीती है जो कि साडे नगर दे विच बहुत समय तो आ रहे हैं ते संगतां नूं गुरवाणी नाल जोड़ रहे सन। उस तो उपरंत संत बाबा मनी सिंह जी साढ़े नगर मोहली विखे बाबे सीता सिंह के स्थान पर 80 दिन भोरे में बह के बड़ी कठोर तपस्या की ते नाल ही संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़िया गुरु साहिब संत गुरु साहिब जी बाणी नाल जोड़ के संगतां नूं संगतां दा आधार किया। सो मैं कोई बुलारा नहीं एक धारणा फड़ के तो उस तो उपरंत मैं कहां गल कहांगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोई बिरले होंदे ने जगते पर उठतारी साधु कोई बिरले होंदे ने जगते सब उठतारी साधु कोई बिरले होंदे ने जगते पर उठतारी साधु कोई बिरले होंदे ने जगते पर उठतारी साधु ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਮਾਨ ਲਿਓ ਪਰ ਮੋਲ
समझा अब त्याग बिगड़ा जंजा तन तन कह सब कोए मुख उज्जल हर हर कह सोए इहो बपार पिंडा बपारा नानक तां कहे सब भले हर कोई फिरदे आउंदे ने जग ते फल उपकारी सार फिरदे आउंदे ने जग ते फल उपकारी सार जिहड़े सवेर तो लैके इंतजार कर रहे हैं फौज का
और सिंध हाउस रेजिमेंट इन्होंने नौकरी की है, मानत करना है। इस तो उपरंत बाबा जी के वचन सुनते हैं, बाबा लाल सिंह जी भी बैठे आ। बाबा लाल सिंह जी 5 मिनट की हाजिरी लवाओगे। मैं पुरजोर बेनती करता हाँ बुलारिया साध संघ के संत महापुरुषों भी जी आया, क्योंकि संघ लंबे अरसे को बहुत लंबी हरियाणे उधर बठिंडे को अगे तक काफ़ी दूर दूर तक संगत बैठिया ने। हजे मेला जुला भी करना है और सारे को माफी चाहना और आनंद साहब के सारे जिन्हें भी सिंह रह गए आनंद साहब हाजी लाओगे दास एक धारना पड़ेगा। उस तो बाद आनंद साहब भाई कसीर सिंह जी घोलिया जी होर सारे बाबा जी सारे हाजी लाओगे और थिमां दा जाचका संगत इस तरीके बैठिया रहा। पिछे जो संगत खड़िया हैं प्लीज थोड़िया थोड़िया अगे न हो जाओ, संगत साजो खुशियां लो। गुरु नानक दियां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सरकार जो गुरु सत्संग जी समा बहुत हो गया, आओ अपने एक दो मिनट की हाजिर लगनी है, सतगुरां की बाणी के वचन सांझे करने ने। सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र बाणी साढ़े जीवन में सह दी है और साढ़े प्रबंधक सब ने सानू एक ही गल कही है, भाई संतान महापुरुष है संगत करो तो गुरबाणी नाल प्यार करो। गुरबाणी सानू तीन गलों का ज्ञान करवाई है सात संगत जी, जिसनों तीन गलों का ज्ञान नहीं आया अज तक वो सत्संगी नहीं कहा सकता। एक तो वाहगुरु की माया, वाहगुरू की माया की है, सब तो पहला साढ़े शरीर तो शुरू होती है, साडा शरीर वाहगुरू की माया, फिर धियां पुत्र ये वाहगुरू की माया, मेन जायदाद रिश्तेदार साग संबंधी ये सब कुछ वाहगुरू की माया। बलिहारी कुदरत वसिया जरा अंत आ जाएगा, ये कुदरत वाहगुरू की है। दूसरा की है वाहगुरू अकाल पुरख आप, जिसनों जानना यादा करना कथन करना बड़ा औख है। हर एक रसना वाहगुरू का जप कर सकती है पर सुन पाठ नहीं कर सकती, क्योंकि वह कथ है। सत्संग जी तीसरा ज्ञान की है वाहगुरू का नाम, वो की है ऊंचे उपर ऊंचा नाम, वाहगुरू तो वड्डा उसका नाम है। तीन गलों का सानू ज्ञान आ जाए साढ़े जीवन में पलटा सा जीवन बन सकता है। अब सत्संगी कहा सकते हैं सत्संग जी, इस करके इस तीन गलों से पहरा देिए। साडा शरीर माया है वाहगुरू जी, धियां पुत्र जी जायदाद माया है वाहगुरू जी, और वाहगुरू अकाल पुरख सारी दुनिया को साजन बना साजन वाला है, संत बनाने वाला है, और उसका नाम वो वाहगुरू तो ऊंचा है। वो प्राप्त किमें होएगा ये गल का सानू ज्ञान, वो नाम की है, वो नाम जपना किमें है। सत्संग जी इस करके महाराज जी कहते बिन गुण कीते भगत ना हो, मन मुख भगत हो गए बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना हो ही राम। कबीहा अमृत वेले बोलिया तन दर्शनी पुकार, देखे नू प्रमाण हुआ दर्शन कीता तार। वो मेल कौन है सत्संग जी, इसका सानू ज्ञान होना चाहिए। कोई गुरु रूपी बदल अमृत रूपी नाम का नीह पा दे साडे ते, वो अमृत रूपी नाम वाहिगुरू दे चरणों में पहुँचेगा, वाहगुरू के चरणों में पहुँचा नाम सानू सत्संग जी ज्ञान आ जाएगा कि किन्नी वाहगुरू की माया इन सारे वाहगुरू वस रहा है। महापुरुष पहला दस रहे थे मैं सारे पास वस दिखता है, गुरबाणी भी कहती घट घट में हर जो रस है संत ने कहो पकार। संतों की पकार की है, उन्होंने मंदिर विचों भी रब दिखेगा, उन्होंने मस्जिद विचों भी रब दिखेगा, उन्होंने गरीब विचों भी रब दिखेगा। इस करके असं इस अवस्था को पाने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज चरणों इकट्ठे हुए हैं। हे सतगुरु जी कृपा करो असं कितने मनमुख ना रह जाइए, सानू गुरमुख बना दिओ, वो नाम दे दिओ जिहड़ा तुहानू प्रवान है।
राम राम सब दसा जग फिरे गुरमुख प्यारे जिन्ना मर्जी राम जपियो जिन्हें मर्जी कांड करो जिन्हें मर्जी तुसी जप तप करो पूजा करो जिन्हें मर्जी दान पात्र करो कौन कौन कुछ करो महाराज जी कहते मैं परवान नहीं कौन परवान है मन बीच सतगुरु के पास किसके गुर के कार्य रास्ता संग समा हो गया जाचनी हिंदा दास ने जी नाल बहुत संगत आई है ते जाना है इसने 150 किलोमीटर ते गुरमुख प्यारे हो बेनती है इस जिसे इस शब्द को पाने वास्ते सतगुरु के चरणों से ढह जाओ मेरे भरा ने बाबा फौजा जी इन्हों ये वस्था कितों मिली है मैंने पता इन्होंने गुटकियां से छोटी छोटिया पोथियां शब्दों का कितों अफवाह तो शब्द लग गया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अमर सगन को पहला सत्कार करना शुरू कर दिता कि मेरे नानक जी मेरे गुरु की बाणी है उन्होंने पक्षे लाने रुमाले रखना गुटकिया साहबान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने सत्कार देना उतो हौली हौली साध संगत जी सतगुरां ने कृपा कर दिती उस प्यार उस बराब की मिलया ब्रह्म ग्यानी महापुरुष संत बाबा मनीष सिंह जी का मिलाप हो गया बोलो सतना वह मेघ सन वह बदल सन बदल रूपी महापुरुष उन्होंने की किया अमृत रूपी वर्खा का नाम रूपी वर्खा का मीह पा के सात संगत जी संत बना दिता साडे संगत इन्होंने उस विषय को पाया असी भी उस विषय को इस सतगुरां दे झोली अज के आईए चरणा विच मंगीए कि असी भी संत बन के जाइए सानू भी सब पैसे रब ही रब ने कोई द्वैष भावना ना होवे असी लड़ाइया ना करिए किसी नाल वह फलाना माड़ा झिनका माड़ा सतगुरु जी कहते भाई वीर सब ते हम बोले हम धर्म भलो सब कोए जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा बाणी से कहती है जिन्हें अपने आप को माड़ा जानिया वह चंगा बन सकता है आप सुखो जो भला कहा किसी भलाई ने सुना साडा पंथ चंगा असि चंगे गुरमुख प्यारे हो साडा नहीं ये अकाल पुरख का पंथ है ये तो सारे का साझा पंथ है ये महाराज जी कहते जे तू सारे उपदेश देना ता तू चंगा है जे कल्या अपने सिखा उपदेश दे जाना मेरे वास्ते फिर समझ नहीं क्यों वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित पुत का आदेश आओ असि इस गुरबाणी की चुकी मारीे सानू ये गुरबाणी ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨਾ ਦੇਵੇ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਨੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜਰੀ ਭਾਲੀ ਹੈ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ वापरदियां रहियां हुण तक पर गुरु की संगत साधा नारा मारना साडा धर्म बनदा असीं सारे इस परिवार का साथ दईए गल कोई सिख दी नहीं है भी सिख शहीद हो गया
गल है इंसानियत की। अगर कोई हिंदू भी अन्यायी मौत मरता है तो वो वास्ते भी आवाज उठाना साडा धर्म आ। जे किसी मुसलमान का धक्का होंगे साडा धर्म है आवाज उठाना। हम ये तो है भी देश की रक्षा वास्ते कि चिरे के पिता ने दादा जी ने नौकरी की। इस संघर्ष के सारे शामिल होवो ता जो अन्नी बौली सरकार है सुती पई जो बच्चों की भेटा लै रही है उन्होंने बलि चाढ़ रही है। मैदान से सूखम बच्चे बिना हथियार तो गुरदासपुर गोली कांड होया बहुत दुखदायक घटना। मैं बेनती करूँगा सारे गुरसिख संगत सर्विसमैन खास करके जिन्होंने जुंट में नौकरी की है एक संगठन बनाइए। इस परिवार का अपना सारे साथ दईए। इन्हों सड़कों पर रोलना ना पवे इन्हों धक्के ना खाने पैन जिन्ना चर असं आवाज नहीं उठाते किसी अन्नी बोली सरकार जाग नहीं आनी। सात संगत जी साथ दईए इस परिवार का उन्होंने शहीद परिवार का भी जिन्होंने देश कौम उत्ते शहीदियां पाइया धर्म उत्ते जाना वारिया। इस स्थान अकाल गुरदास साहब विखे नवंबर दसंबर 1984 के सिंह शहीदों की याद में और दिल्ली में जो सिंह शहीद हुए उन्होंने याद में बड़ा समागम होगा उदों भी संगत ने दर्शन देने और इस परिवार की अपने हर प्रकार करके मदद करिए बराबर खड़िए मोढ़े ना मोढ़ा ला के हाथ का नारा मारीे। ये साढ़े वास्ते एक सच के धर्म से चलन का गुरु ग्री